हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कश्यप्स किचन चैनल में। आज की रेसिपी है आलू मेथी की सब्जी। इस सब्जी में मेथी के पत्तों की कड़वाहट आपको बिल्कुल फील नहीं होगी, जिसके लिए एक सिंपल टिप्स दिया है मैंने, जो कि आप रेसिपी के दौरान देखेंगे। तो इसके लिए रेसिपी को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसे बनाने में हमें कम से कम 10 से 12 मिनट का समय लगता है। साइड डिश के तौर पर आप इसे सर्व कर सकते हैं, लंच बॉक्सेस के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मेथी के पत्तों को इस तरह से वॉश किया है, और अच्छी तरह से इसे फाइनली चॉप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो स्टेम पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दो मीडियम साइज़ के आलू चाहिए, जिसको मैंने डाइसेस में कट कर लिया है। मीडियम साइज़ के पीसेज रखे हैं मैंने। अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक पैन में तेल गर्म करेंगे, लगभग 2 चम्मच के करीब है ये। और यहाँ पर गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम के बीच रखना है। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा, इसमें जीरा ऐड करेंगे और 2 सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च की जगह पे आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे भून लेते हैं अच्छी तरह से, कि जीरा थोड़ा सा चटक जाए तेल में। तो मिक्स कर लिया मैंने। इसके बाद इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ लहसुन। 8 से 10 कलियाँ लहसुन को मैंने फाइनली चॉप किया है। इसे डालने के बाद कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चा फ्लेवर ख़त्म हो जाए। जैसे ही लहसुन भुन जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ा कटा हुआ प्याज, जिसे मैंने फाइनली चॉप किया है। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें पकाना है, कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, इसका क्रंची फ्लेवर रहना चाहिए इस रेसिपी में। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने। बेसिकली इसे ट्रांसलूसेंट होना है, थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस इतना ही। प्याज के भुनते ही इसमें डाल देंगे हम आलू। तो यहाँ पे देखिए मीडियम साइज़ के पीसेज रखे हैं मैंने, आप अपने पसंद के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। आलू के डालने के बाद ही हम इसमें जितने भी ड्राई स्पाइसेज हैं वो भी ऐड कर देंगे, ताकि अच्छी तरह से सारे मसाले साथ में आलू के भुन जाए। तो यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाला मैंने, हल्दी पाउडर डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिएगा, नहीं तो मेथी का कलर हल्का लगने लगता है। अब इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जाएगा इसमें धनिया पाउडर। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कि मसाले अच्छी तरह से कोट हो जाए आलू के चारों तरफ। और यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम लो कर दिया था स्पाइसेस ऐड करने से पहले। जैसे ही अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया, तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम किया हमने। अब इसे कवर कर देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। इतने में हमारा आलू 85 से 90% तक डन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ड्राई लग रहा है। तो कवर हटाने के बाद अच्छी तरह से मिक्स किया, उसके बाद एक आलू को मैं कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना डन हुआ है। तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट है। इस स्टेज पे हमें इसमें मेथी के पत्तों को ऐड करना है, तो डाल देते हैं इसमें। तो मेथी के पत्तों को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लगभग 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि बहुत ही कम रह जाएगा ये। तो यहाँ पर डाल दिया, इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे आलू के साथ। उसके बाद फिर से हमें इसे कवर करके लगभग 2 मिनट तक लो फ्लेम पे रखना है। इतने में मेथी पूरी तरह से गल जाएगी। तो कवर कर दिया हमने। अब लगभग 3 मिनट के बाद मैंने लिड हटाया, तो आप देख सकते हैं मेथी बिल्कुल गल के थोड़ी सी रह गई है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो लगभग 2 मिनट के लिए मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लिया। अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हम दूध की मलाई या फिर फ्रेश क्रीम। 1 चम्मच से ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, यही वो इंग्रेडिएंट्स है जिससे मेथी की कड़वाहट पूरी तरह से दूर हो जाती है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा प्याज ऐड करते हैं तो भी इसकी कड़वाहट कम होगी, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है। लेकिन दूध की मलाई ऐड करने से वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो इस टिप के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप देखेंगे आपकी सब्ज़ी पहले से ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर रेसिपी बिल्कुल तैयार है, तो इसे सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना होता है मलाई डालने के बाद, कम से कम 1 मिनट के लिए आप इसे हाई फ्लेम पे भूनिए और रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है, और ये रेसिपी आपके बच्चे भी आराम से खा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कड़वी लगती ही नहीं है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।